हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। है तो ये एयरफोर्स यानी कि डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी, लेकिन जो वैकेंसी निकल के आई है वो है ग्रुप सी की पोस्ट। तो आइए देखते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर आई है वैकेंसी और बाकी की जानकारी को भी। लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आप एग्जाम सिलेबस वगैरह जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और एक और बात कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी जैसा कि आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर भर्ती आई है, जिसके लिए अप्लाई करने की तिथि जो है ना 2 अगस्त टू 1 सितंबर, यानी 2 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इसके लिए जो फी ली जाती है ना, फॉर्म चार्जेस 0 रुपीज़, मतलब कोई चार्जेस नहीं लगेंगे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से। अब बात करें कि एज लिमिट क्या होगी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट होगा। तो जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि 1 सितंबर 2024, यानी कि 1 सितंबर 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये जो 25 ईयर्स है ना, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, सीट कितना कितना है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 3 टाइप्स के आपके पोस्ट रहेंगे, LDC, टाइपिस्ट एंड ड्राइवर। तीनों ही पोस्ट ग्रुप सी की है, लेवल 2 की बहुत अच्छी वैकेंसी है। LDC के लिए जो टोटल पोस्ट है 157 है, टाइपिस्ट के लिए 18 यानी कि 18 और ड्राइवर के लिए 7। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो 182 यानी कि आपका 182 सीट रहेगा। क्वालिफिकेशन बस एक पोस्ट के लिए अलग है, बाकी दोनों का सेम है। जैसे LDC और टाइपिस्ट के लिए ना 12th पास आउट होना जरूरी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 12th में आपका क्या स्ट्रीम सा, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इलिजिबल रहने वाले हैं। साथ के साथ आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि LDC और टाइपिस्ट दोनों के लिए ना टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात की ड्राइवर की पोस्ट, तो इसके लिए जो भी 10वीं यानी 10th पास आउट कैंडिडेट है सभी इलिजिबल होंगे। लेकिन अब ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए होगा, और हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से किसी एक का भी है तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि आपके पास कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप गाड़ी चला लेते हो अच्छे से। ये सारी थी बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं तीनों ही पोस्ट के लिए कि व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से गुजरेंगे तब हमारा चयन होगा। देखिए यहाँ पर टोटल 4 स्टेजेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई रिटन एग्जाम, देन यू हैव टू क्लियर द स्किल टेस्ट, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। देखिए सिंपल सी बात है, अब आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसको पास करिएगा तो स्किल टेस्ट, मतलब कि जो LDC और टाइपिस्ट है उसके लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका DV यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट किया है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर सिंपल सा मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर होगी आपके हाथों में। तो चलिए अभी उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, पहले ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, स्किल टेस्ट कैसा रहेगा, सब कुछ डिटेल में बता देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही आपको मैंने ये क्लियर कर दिया था कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम जो होता है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। इस सिलसिले में अभी तक कुछ भी अभी बताया नहीं गया क्लियरली कि क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग होता भी है ना, तो 1/4 मतलब 0.25 का रहेगा, और ज़्यादा चांसेस ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहने वाला है।
देखिए इसमें अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज तो रीजनिंग से 25 यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स एंड थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स, लास्टली जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए जैसे नॉर्मली कोई सा भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दिया होगा तो उसमें क्या होता है, चार सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। तो यही आप जनरली जो तैयारी कर रहे हैं वो ही सब इसमें भी पूछा जाएगा। अब एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। LDC और टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो टाइपिंग में अगर बात करें कि इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, दोनों लैंग्वेज रहेगा, आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपकी स्पीड अच्छी है, आप उसमें टेस्ट दे सकते हो। इंग्लिश के लिए अगर दोगे तो 35 यानी कि 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, हिंदी के लिए 30 यानी 30 वर्ड्स पर मिनट। अब पहले ये भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो ड्राइवर है उनसे तो टाइपिंग कराया नहीं जाएगा, उनसे ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो फिर जब आप इसमें क्लियर हो जाएंगे उसके बाद DV एंड मेडिकल होगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे तो जॉब की लोकेशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे के सारे जो आपका एयरफोर्स के जो कमांड है ना, जैसे कि ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न, सदर्न, सारे के लिए वैकेंसी है। जॉब लोकेशन मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगा, कुछ कुछ जैसे कि न्यू दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, ओवरऑल आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको रहने वाली है जॉब लोकेशन के लिए। अब बात करें कि फॉर्म ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन होगा। आप इसको भेज सकते हैं रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब आप इसका ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करेंगे किधर से, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, जिसको आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। और हाँ, फिल करने का जो तरीका है, जो मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड आप करोगे उसमें देख लेना, उसमें अच्छे से बताया गया है कि काले पेन से लिखना है, कहाँ पर क्या भरना है, किस एड्रेस पर जाएगा। मान लीजिए कि आपको न्यू दिल्ली के लिए फॉर्म भरना है तो आप पुणे का एड्रेस तो नहीं भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोटिस में ही कर दी गई है क्लियर, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें तो और बढ़िया तरीके से आप समझ जाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करें ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब सब मतलब सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, डाउट्स भी खत्म हो गए होंगे। एक और डाउट हो सकता है आपको कि सैलरी क्या मिलेगा। देखिए जैसे अगर आप CHSL SSC में क्वालिफाई करते हैं तो जो LDC का सैलरी होता है शुरुआत में आपको 36 से 40 हज़ार मिलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि सिर्फ LDC के लिए, टाइपिस्ट को भी उतना ही मिलेगा और जो ड्राइवर होंगे उनको भी सेम ही मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेवल 2 की सैलरी है। अब जबकि आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 36 से 40 हज़ार, तो बाद में ऑब्वियस ही बात है कि आपको 1 लाख के अप्रोक्स तो सैलरी जाएगा ही जाएगा। तो आई होप कि इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को आपने समझ लिया होगा। अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, कमेंट करके आप अपने क्वेरी को सॉल्व कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी नई जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।